धर्मशाला के तपोवन में 9 से 14 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा सत्र के लिए सभी रणनीतियां आज से ही शुरू हो गई हैं। कुछ मुद्दों पर विपक्ष सदन को घेरने की फिराक में है, तो वहीं सरकार भी विपक्ष के हर सवाल से निपटने के लिए तैयार बैठा है। आपको बता दें कि हिमाचल प्रदेश के 2 वर्ष के कार्यकाल और इन्वेस्टर मीट सहित अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा हुआ है। भाजपा का दावा है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा नहीं है। उधर शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने विपक्ष का सदन में बवाल मचाने के बजाय जनहित के मुद्दे उठाने का बात कही। धर्मशाला के तपोवन में 9 से 14 दिसंबर तक होने वाले विधानसभा के शीतकालीन सत्र के लिए रणनीति की तैयारी शुरू हो चुकी है। कई मुद्दों पर विपक्ष सदन को गरमाने की फिराक में है, वहीं सरकार भी विपक्ष के हर बार से निपटने के लिए तैयार है। गौरतलब है कि प्रदेश सरकार के 2 वर्ष के कार्यकाल और इन्वेस्टर मीट सहित अन्य कई मुद्दों पर विपक्ष सदन में सरकार को घेरने की रणनीति बनाने में जुटा है। वहीं भाजपा का दावा है कि सरकार का 2 वर्ष का कार्यकाल बेहतरीन रहा है, ऐसे में विपक्ष के पास सरकार को घेरने के लिए मुद्दा ही नहीं है। उधर सरकारी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने भी विपक्ष को सदन में बवाल मचाने के बजाय जनहित के मुद्दे उठाने की नसीहत दी है। सरवीण चौधरी का कहना है कि विपक्ष अपनी भूमिका को खूबसूरती से निभाए, जो मुद्दे विपक्ष द्वारा उठाए जाएंगे उनका सरकार कठोर तरीके से संयम रखते हुए जवाब देना चाहती है। शहरी विकास मंत्री सरवीण चौधरी ने कहा कि विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान लोगों को 1 सप्ताह तक सीएम के समक्ष अपनी समस्याएं रखने का समय मिलता है। सत्र के दौरान क्षेत्र के लोग सीएम सहित मंत्रियों से सीधा संपर्क कर सकते हैं। लोगों को भी आस होती है कि साल में 1 बार सरकार यहां बैठेगी। सत्र के दौरान विपक्ष अपनी भूमिका खूबसूरती से निभाए और जवाब देना सरकार का काम है। सरकार निष्पक्ष तरीके से ईमानदारी से चल रही है और हम अपना पक्ष बड़े ही कठोर तरीके से और संयम से देना जानते हैं। के नीचे के क्षेत्र के लोगों को मुख्यमंत्री से मिलने का, अपनी समस्याएं रखने का 1 हफ्ते का जो समय मिलता है और उसमें अपनी सारी बातें यहाँ के लोग अप्रोच कर सकते हैं मुख्यमंत्री से, मंत्रियों से, सरकार से सीधा। क्योंकि मैंने देखा कि जो शिमला का एक कॉर्नर हो जाता है वो शिमला जिले के लोग ही अपने भर भर के डेपुटेशन लाते हैं और यहाँ के लोगों को एक आस होती कि साल में 1 बार यहाँ पर सरकार जो है बैठेगी। और वैसे तो मुख्यमंत्री जी के इतने दौरे हुए हैं, लोग शिमला भी पहुँच जाते हैं, यहाँ अपने कामों के लिए आते हैं, लेकिन इससे जो है जो हमारा कांगड़ा जिला है और भी खूबसूरत होगा, चहक पहक होगी, लोगों के काम होंगे और विधानसभा सुंदर तरीके से सजेगी। आप पत्रकारों से भी सीधा सीधा मिलना हमारा होता है। मैम, लेकिन अगर विधानसभा की बात की जाए तो विपक्ष तैयार है, विपक्ष कह रहा है कि जो सरकार का 2 साल का कार्यकाल है विफल है और विधानसभा में ही विपक्ष की भूमिका है ना, उनकी उस सत्ता में नहीं है, विपक्ष की भूमिका वो निभाएंगे, वो अपनी खूबसूरती दिखाएं, विपक्ष की भूमिका लगाने जवाब देना सरकार का काम है। सरकार बहुत अच्छे तरीके से निष्पक्ष होके और सुंदर तरीके से ईमानदारी से चल रही है और हम अपना पक्ष जो है बड़े कठोर तरीके से संयम से देना चाहते हैं। कार्यक्रम में वक्त हो गया है ब्रेक का, ब्रेक के बाद जारी रहेंगी प्रदेश की गतिविधियां।